प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था व विकास कार्यों की समीक्षा। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दृष्टिगत उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के दिए निर्देश। कहा, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर हो सख्ती। गरीब कल्याण मेला की तैयारियों का सीएम योगी ने लिया जायजा। शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे पार्टी के नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शुक्रवार को लोकार्पण होने वाले नवनिर्मित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का किया निरीक्षण। गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का किया पूजा अर्चना। शुक्रवार को क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ करेंगे प्रतिभाग। नवागढ़ जिलाधिकारी कृष्णा कुरुणेश ने कलेक्ट्रेट स्थित ट्रेजरी ऑफिस पहुंचकर कार्यभार किया ग्रहण। कहा, शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर तक करवाया जाएगा लागू। जनता की समस्याओं का 100% एवं गुणवत्ता परक करवाया जाएगा निस्तारण। कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार कर विदेश भेजने के नाम पर पैसा लेने वाले कबूतरबाज गैंग के चार अभियुक्तों को खोरावार पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक कार, दो लैपटॉप एडाप्टर के साथ 88 भारतीय गणराज्य का पासपोर्ट, 4 मोबाइल सहित अन्य सामग्री किया बरामद। SPCT ने किया खुलासा। आजम खान के करीबी रहे सपा के वरिष्ठ नेता जफर अमीन डक्कू ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आजम खान मुसलमानों के हमदर्द नहीं, उनके आंसुओं के हैं सौदागर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दबाव बनाकर बनवाएं अपने लोगों को MLC, उनका सपा से नहीं है कोई वास्ता। अंतर प्रदेशीय जहर खुरान व ATM का धोखाधड़ी करने वाले दो अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 60 ग्राम स्मैक व विभिन्न बैंकों के 30 ATM किया बरामद। SPCT ने किया खुलासा। महिला कल्याण विभाग मंडल द्वारा जागरूक मीडिया कार्यशाला का किया गया आयोजन। कहा, महिलाओं व बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों में कमी लाने के प्रति किया गया जागरूक। गुरुवार को विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए जिला अस्पताल के न्यू OPD में लोगों की लगी रही भीड़। झोलबाजी को रोकने के लिए चारों तरफ लगाए गए हैं CCTV कैमरे। CMO ने कहा, किसी चिकित्सक और कर्मचारी की हैसियत नहीं है कि विकलांगता के प्रतिशत को घटा या बढ़ा सके, ना पड़े किसी भी दलाल के चक्कर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीते 5 जून के जन्मदिवस के अवसर पर जागरूक गोरखपुर फाउंडेशन एवं गोरखपुर उद्योग व्यापार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में नौकायन स्थित जेटी पर दीप कोलाज कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 7,000 दीपों से मुख्यमंत्री के मुस्कुराते हुए चित्र को बनाकर दी गई जन्मदिन की बधाई। गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में इतिहास बोध फिल्म क्लब के तहत विभिन्न विषय पर कई फिल्में दिखाकर छात्रों को किया गया जागरूक। कहा, फिल्म के माध्यम से छात्र अपने इतिहास को कर सकते हैं समृद्ध। और गुरु गोरखनाथ घाट पर धूमधाम से मनाया गया गंगा दशहरा महोत्सव। पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, माँ गंगा के प्रकट्य दिवस के दिन को मनाया जाता है गंगा दशहरा महोत्सव।